शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म कबीर सिंह के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बात। शाहिद कपूर इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी फिल्म 100 करोड़ के क्लब में आज तक नहीं गई। पद्मावत को छोड़ दें तो शाहिद ने किसी भी फिल्म के आंकड़े को 100 करोड़ तक नहीं पहुंचाया है। नतीजा, फिर भी शाहिद कपूर बॉलीवुड के चहेते सितारों में से एक है। इनकी गिनती ए लिस्ट एक्टर में होती है और फिलहाल जो कबीर सिंह को एडवांस बुकिंग में सपोर्ट मिला है तो ये हम कहेंगे कि ये पहली फिल्म हो सकती है शाहिद की जो 100 करोड़ के आंकड़े में जाएगी। बात कर लेते हैं कि वो आखिर कैसे होगा। शुरू करते हैं कबीर सिंह से। कबीर सिंह जो कि साउथ इंडस्ट्री की अर्जुन रेड्डी की हिंदी रीमेक फिल्म है। शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी इस फिल्म में उसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने अर्जुन रेड्डी बनाई थी, यानी कि संदीप वांगा। फिल्म 2017 में आई थी अर्जुन रेड्डी, उसके 2 साल बाद ही शाहिद कपूर इस फिल्म को रिलीज करने वाले हैं। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं भूषण कुमार और अश्विन वार्ते। जैसा कि डायरेक्टर संदीप वांगा है तो स्टोरी भी उन्हीं की है। फिल्म कबीर सिंह फेमस हो रही है अपने गाने और म्यूज़िक के कारण। इस फिल्म में जो म्यूज़िक है वो दिया है मिथुन ने, अमाल मलिक ने, और साथ ही आवाज़ आपको नए नए सिंगर्स के अलावा अरिजीत सिंह की सुनने को मिलेगी। ऐसे में कबीर सिंह का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होगा तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिल्म की लंबाई ज़्यादा होने वाली है, 172 मिनट की आपको फिल्म देखने को मिलेगी। अब दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का बजट कितना है। फिल्म को बनाने में 60 करोड़ रुपए का बजट लगा है। यकीनन शाहिद कपूर 100 करोड़ की फिल्म नहीं देते तो बजट भी ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे में 60 करोड़ की फिल्म को अगर हिट होना है तो मिनिमम 80 करोड़ की कमाई तो करनी ही होगी। अगर फिल्म उससे नीचे कमाती है तो फिल्म फ्लॉप के क्राइटेरिया में जाएगी, जो कि शाहिद की बत्ती गुल मीटर चालू भी फ्लॉप हो गई थी। अब दोस्तों आपको बता दें कि 60 करोड़ की फिल्म कलेक्शन पहले दिन कितना करने वाली है। अब तक जो एडवांस बुकिंग देखने को मिली है तो शाहिद कपूर की फिल्म पहले दिन अपने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाले हैं। अब तक की शाहिद कपूर की ओपनिंग डे पे सबसे ज़्यादा कमाने वाली पद्मावत ही है जिन्होंने पहले दिन 18 करोड़ का कलेक्शन किया था। लेकिन अब की बार कबीर सिंह जो है 16 करोड़ का फर्स्ट डे कलेक्शन शाहिद कपूर की फिल्म कर सकती है। यानी कि शाहिद कपूर दोस्तों आपको बता दें अब तक अकेले हीरो में जितनी भी फिल्म लेके आए हैं तो उनकी हाईएस्ट ओपनर 13 करोड़ रुपए रही है, जो कि फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू ही थी। अब शाहिद कपूर को कबीर सिंह से आशा है साउथ इंडस्ट्री में फिल्म शायद ही कमाई कर सके, क्योंकि लोग वहाँ पर कबीर सिंह से ज़्यादा अर्जुन रेड्डी को ही पसंद करेंगे। ओवरसीज फिल्म को इतनी ज़्यादा स्क्रीन नहीं मिली है, ऐसे में इसका फर्स्ट डे हम 4 करोड़ ही माने तो सही रहेगा। यानी कि पहले दिन ये वर्ल्ड वाइड 20 करोड़ तक का कलेक्शन कर जाएगी, जो कि शाहिद के लिए अच्छे आंकड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कियारा आडवाणी की सबसे बड़ी ओपनर रही है MS धोनी। अब उसके बाद ये कबीर सिंह जो फिल्म है उनके लिए भी बड़ी साबित हो सकती है। दोनों की केमिस्ट्री शानदार है, ये हम गानों में देख चुके हैं, और इससे पहले जो हनी सिंह का गाना आया था उसमें भी ये दोनों एक साथ थिरकते हुए नजर आए थे। तो दोस्तों ये है कबीर सिंह का फर्स्ट डे कलेक्शन 20 करोड़ पे वर्ल्ड वाइड, 16 करोड़ भारत में, 4 करोड़ ओवरसीज। आपको कैसे लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो और भी खबर जानने के लिए।